Hello, good morning students. Welcome back to my class. Students, today we are going to start a new chapter, chapter 5, Indian crafts. Okay, beta? Bhartiya hastkalaen. ठीक है, क्राफ्ट का मतलब होता है बेटा हस्तकला, यानी जिनको हम अपने हाथों से बनाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कलाओं को हम हस्तकला या क्राफ्ट कहते हैं। क्राफ्ट इज ए स्किल इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल आर्ट्स इन मेनी केसेस। बेटा देखो, क्राफ्ट एक ऐसी स्किल है जिसमें हम कई आर्ट्स को प्रैक्टिकल करते हैं। हमारे पास जो है कई तरह के जो हमारे बेटा उसको हम क्या कहते हैं, हाँ, स्किल्स या हमारी क्वालिटीज होती हैं, उसको हम प्रैक्टिकल करके उसको बनाते हैं, ठीक है। इट मे मीन ए ट्रेड ऑफ पर्टिकुलर आर्ट, और इससे जो है बेटा हम कभी कभी जो है वो क्राफ्ट्स को बना करके बेचा भी जाता है, ठीक है ना। क्राफ्ट्स एज आर्टिस्टिक प्रैक्टिसेस आर डिफाइंड बाय देयर रिलेशनशिप विथ यूजफुल प्रोडक्ट सच एज स्कल्पचर फॉर्म इन द वेसल ट्रेडिशन। देयर यूज इंक्लूड्स नेचुरल मीडियम एज वुड, क्ले, ग्लास, टेक्सटाइल एंड मेटल। तो बेटा इसके अंतर्गत जो है हम ये देखते हैं, क्राफ्ट के अंतर्गत हम पुरानी चीज़ों से जो यूजलेस थिंग्स हैं उनका यूज करके, ठीक है, क्राफ्ट को बनाते हैं। जैसे बेटा वुड हो गया, क्ले हो गया, ग्लास, टेक्सटाइल्स और मेटल्स, जो ये पुरानी चीज़ें होती हैं या नई चीज़ भी, लेकिन बेटा ज़्यादातर जो क्राफ्ट होते हैं वो पुरानी चीज़ों से बनाए जाते हैं, ठीक है। इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्स क्राफ्ट। बेटा इंडिया जो है वो कई तरह के क्राफ्ट की लैंड है, यानी बेटा भारत जो है वो विभिन्न तरह के हस्तकलाओं का देश है, ठीक है। तो इंडियन क्राफ्ट आर रिच इन हिस्ट्री, कल्चर एंड रिलीजन। बेटा इंडियन क्राफ्ट यानी भारतीय हस्तकला जो है उसका इतिहास बहुत विस्तृत है, उसकी संस्कृति बहुत बड़ी है, और यहाँ के बहुत सारे धर्म विद्यमान हैं, ठीक है। ईच स्टेट ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट एम्पायर्स ऑन इट्स क्राफ्ट। और बेटा जो हम जानते हैं कि हमारी कंट्री जो है, हमारा इंडिया जो है वो बहुत बड़ा देश है, ठीक है। तो यहाँ पर 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो बेटा अब 28 स्टेट्स में जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के अलग अलग हस्तकलाएं हैं, ठीक है। तो उन हस्तकलाओं पर उस स्टेट के डिफरेंट एम्पायर्स का प्रभाव दिखाई पड़ता है, यानी उस स्टेट में कौन से राजा लोग थे, उस पुराने समय में वहाँ पर कौन से राजा वहाँ पर राज्य करते थे बेटा, ठीक है। तो उनका भी प्रभाव उनकी हस्तकलाओं पर, उनके क्राफ्ट पर दिखाई देता है। क्राफ्ट्स हैव बीन रूटेड एज ए कल्चर एंड ट्रेडिशन विद इन रूरल कम्युनिटीज़। और बेटा ये जो हस्तकलाएं हैं ये हमारे देश की ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण लोगों के कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में, संस्कृति और परंपराओं के बारे में बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्स। यहाँ पे देखिए बेटा सिरेमिक एंड ग्लास क्राफ्ट, ठीक है। यहाँ पे ये सिरेमिक और कांच के बर्तन बनाए जा रहे हैं, ठीक। सेकंड है फाइबर एंड टेक्सटाइल क्राफ्ट, इसमें देखिए बेटा कपड़ों से कई तरह की डॉल्स बनाए जा रहे हैं। फ्लावर क्राफ्ट, फूल बनाए जा, फ्लावर्स बनाए जा रहे हैं। और फोर्थ में आप देखेंगे लेदर वर्क, या तो यहाँ पर चमड़े के बैग वगैरह बनाए जा रहे हैं, बेल्ट, बैग, जूते, ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, ठीक। मिक्स्ड मीडिया, मिक्स्ड मीडिया का मतलब होता है कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। निडिल वर्क, निडिल वर्क का मतलब होता है बेटा कढ़ाई करना, जैसे कोई कपड़ा है तो कपड़े पे कढ़ाई की जाती है ना, तो
सुई और धागे से कई तरह की डिजाइंस बनाई जाती हैं बेटा, उसको हम निडल वर्क कहते हैं। अगला है पेपर क्राफ्ट। पेपर क्राफ्ट जो है हम रंग बिरंगे पेपर से कई तरह की चीज़ों को बनाते हैं। लास्ट वन है वुड एंड फर्नीचर क्राफ्ट। इसमें जो है बेटा आप लकड़ी और लकड़ी से बनने वाले फर्नीचर क्राफ्ट को भी देख सकते हैं। तो बेटा आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।